नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अनस खान जी ने पूछा है कि मीडिया टाइप करने वाले लोग प्रेस कार्ड किस तरह बना सकते हैं। तो देखिए, ये डिपेंड उस पर करता है जिस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप टाइप करते हैं कि वो आपको क्या परमिशन दे रहा है, किस तरह से आपको राइट दे रहा है। अगर आप लीड इंडिया की बात करें तो लीड इंडिया के साथ अगर आप मीडिया टाइप करते हैं तो उसके बाद किस तरह प्रेस आई कार्ड जारी करते हैं उसका मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बता देती हूँ। लीड इंडिया से मीडिया टाइप करने के लिए फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है। इसके लिए एक पूरी प्रोसेस होती है। इसके बाद और डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिसमें उन्हें शपथ पत्र वगैरह देना होता है कि वो मीडिया के जितने भी मानदंड हैं उनका पालन करेंगे। जो लीड इंडिया उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करेगा, जैसे हम अपना ट्रेडमार्क लोगो शेयर करेंगे, अपने मीडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करेंगे, उसका कहीं दुरुपयोग नहीं होगा। मैं सजेस्ट करूंगी बाकी लोगों के लिए भी, अगर वो भी अपने रिपोर्टर्स को रखते हैं जो डिजिटल मीडिया हैं या फिर प्रिंट मीडिया के लोग भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, वो भी जब अपने रिपोर्टर्स को रखें तो वो इस तरह का शपथ पत्र ज़रूर साइन करा लें, ये उनके लिए अच्छा होता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि वो प्रेस आई कार्ड कैसे जारी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे राइट दे रही है। तो लीड इंडिया जिस तरह राइट देता है वो ऐसे है कि आपकी आइडेंटिटी पूरी की पूरी बनी रहती है, आप अपने ही नाम से काम करने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। आप सबसे पहले एक कार्ड का फॉर्मेट भी हम शेयर करते हैं। आप अपना कार्ड अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार डिज़ाइन करेंगे। उसमें आप अपना लोगो, अपना नाम देंगे, साथ में आप लिखेंगे फ्रेंचाइजी ऑफ लीड इंडिया, उसके नीचे लीड इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। तो इस तरह से जो आपका प्रेस कार्ड है वो प्रॉपर लीगल हो जाता है। अगर इस कार्ड के साथ आप फील्ड में जाते हैं तो कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप फर्जी हैं, आप जाली हैं। लेकिन इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्रेंचाइजी ऑफ जरूर लगाना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लीड इंडिया का रजिस्टर्ड नंबर अपने साथ यूज करेंगे तब कार्ड गड़बड़ हो जाएगा, फर्जी हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे कार्ड डिजाइन करेंगे, उसका सैंपल मिलता है तो वो सही रहता है। इसके अलावा लीड इंडिया अपना ट्रेडमार्क लोगो भी शेयर करता है जो नेशनल न्यूज एजेंसी का है और न्यूज पेपर का भी है। तो आप डिजिटल के लिए आप जब हमसे एफिलेटेड होते हैं तो उसके बाद उस ट्रेडमार्क लोगो को आप अपने माइक पर अपने हिसाब से एडजस्ट करके फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्टर के हाथ में दो दो माइक तो अच्छे लगेंगे नहीं, तो आप एक ही माइक पर उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी प्रोमिनेंटली आप अपने मीडिया का ही नाम ऊपर रखते हैं। इसके अलावा जो लीड इंडिया के फ्रेंचाइजी हैं वो प्रेस आई कार्ड इशू करने के लिए खुद ही अथॉरिटी होते हैं। हम इस बात की उन्हें अथॉरिटी देते हैं और उन्हें अपना जितने भी प्रेस आई कार्ड वो इशू करते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी प्रॉपरली डिटेल्स हमारे साथ शेयर करनी होती हैं ताकि अगर फील्ड में उनके साथ कोई दिक्कत हो तो वो हमें कॉल कर सकें और हम उनकी मदद कर सकें। इसके अलावा फील्ड में अगर वो रहते हैं तो हफ्ते या फिर 15 दिन या फिर एक महीने में एक न्यूज़ उन्हें लीड इंडिया के नाम से भी कवर करके शेयर करनी होती है। इससे लीड इंडिया से उनका सीधा सीधा एफिलिएशन, उनकी टाई अप, उनका फ्रेंचाइजी नज़र आता है। तो इस तरह वो फील्ड में उन सब बातों का शिकार होने से बच जाते हैं जहाँ पर उन्हें फर्जी और जाली कहा जाता है। लीड इंडिया फ्रेंचाइजी देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि जितनी भी जो खबरें हैं जिनको कोई आज खबर के तौर पर देखता नहीं, मानता नहीं, उन सब खबरों को आप प्रोमिनेंटली जनता के सामने दे सकें, लोग जान सकें कि आसपास क्या घट रहा है, और अगर आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो वो भी आप कर सकें। हमारा सिर्फ यही मकसद है कि आप पत्रकारिता के माध्यम से सेवा करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।